विपक्ष के पास काम है, गलत है, गलत है, गलत है, हमारा प्रमाण पत्र की जांच किया जाए, सरकार जो आरोप लगाएगी गलत है, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं, हमारे प्रमाण पत्र की जांच किया जाए, मैं एजेंट हूँ कि शिक्षक अभ्यर्थी, सरकार होश में आओ। सत्ता में रहते हैं ना, उनकी भाषा बदल जाती है लेकिन चरित्र वही रहता है, चाहे कोई भी, हमको तमाम पार्टियों ने ये किया है, शोषण किया है, तो हम तमाम पार्टियों के लोगों से कहते हैं जो अभी महागठबंधन की सरकार है, शिक्षा के प्रति विपक्ष के बहकावे में आने वाले हैं, मतलब पढ़े लिखे बैठते हैं, मूर्ख नहीं ना। अरे तो ये तो हम तो बोलते हैं कि मति भ्रष्ट हो गया, इनके प्रवक्ताओं का मति भ्रष्ट हो गया है, ये क्या बोलेंगे, इनको सर्व से डूब मारना चाहिए, जाकर चुल्लू भर पानी में इनको। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ मौजूद है S19 के मेरिट अभ्यर्थी अभिषेक झा जी है, और जो कि कल ये गए थे आंदोलन करने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से लोग आंदोलन कर रहे थे, इनको पुलिस उठा करके सचिवालय थाने लेकर के गई, और इन्होंने बताया था, मीडिया को बताया था कि 12 बजे तक आप सारे मीडिया बंधु आ जाए, लेकिन मीडिया के पहुंचने से पहले ही इनको पुलिस उठाकर सचिवालय थाना लेकर के गई। क्या हुआ इनके साथ, यही इनसे जानने की कोशिश करते, क्या हुआ था कल हमारे साथ, अन्याय किया गया है। हम लोग ST-T19 प्रतियोगिता परीक्षा दे के पास है, और अभी सरकार तुगलकी फरमान लाई है कि यह तुगलकी फरमान है, हम इसको सिरे से खारिज करते। कल हम लोग को लाठी डंडा जूतों से मार के गिरफ्तारी किया गया, हमें पूरा मारा गया, और रात दिन भर हाजत में बंद रखा गया, भूखे प्यासे, ऐसा गलत बात है, थाना में बैठा के रखा गया, ये शिक्षक अभ्यर्थी को किया जाएगा न, गलत है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, और सरकार से मांग करते हैं कि इस 23 नियमावली को आप खारिज कीजिए, अन्यथा हम लोग भूख हड़ताल आंदोलन पर बैठल रहेंगे। नई नियमावली से आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है? प्रॉब्लम इसलिए है कि हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा दे के आए, जिंदगी भर परीक्षा दे के आए, परीक्षा से डर नहीं लगता है साहब, समय बर्बाद हो गया, हमारा बिहार का बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ऐसा नियमावली लाओ कि एग्जाम ही नहीं हो, इस एग्जाम ही नहीं हो तो बर्बाद हो जाएगा बिहार, बिहार बर्बाद नहीं होने देंगे, सीधा सीधी बात है, हम लोग आंदोलन पे बैठे रहेंगे। सरकार तो कह रही है ना कि विपक्ष के बहकाव में आ गए है शिक्षक छात्र जो है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ज्ञान है हमारे पास, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं है, हम लोग सीधा सीधी बात है, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी, कोई पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं है, हम एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और आप सुन लीजिए, महामहिम से हम मिलने जा रहे हैं, चीफ जस्टिस से मिलने जा रहे हैं, हमारे अधिकारियों का हनन हुआ है, तो सीधा सीधी बात है, हम उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, और सरकार को यह कानून वापस लेना होगा। सरकार आरोप क्यों लगा रही है कि आप लोग विपक्ष के बहकावे में? गलत है, गलत है, गलत है, हमारा प्रमाण पत्र की जांच किया जाए, सरकार जो आरोप लगाएगी गलत है, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं, हमारे प्रमाण पत्र की जांच किया जाए, मैं एजेंट हूँ कि शिक्षक अभ्यर्थी, सरकार होश में आओ। और कुछ लोग उनसे भी जाने की कोशिश करते हैं, और भी हमारे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद है, रुपेश जी, इनसे हम जाने की कोशिश करेंगे। सरकार तो आप लोग पर गंभीर आरोप लगा रही है, जितने भी सरकार में शामिल प्रवक्ता है चाहे नेतागण है, वो तो बोल रहे हैं कि आप लोग विपक्ष के बहकावे में आ गए हैं। अरे उनकी मति भ्रष्ट हो गई, उनकी मति जो है ना भ्रष्ट हो गई है, वो हम लोग एजेंट बता रहे हैं कि ये फलना एजेंट है चिल्ला, अरे ये भूल रहे हैं कि जब ये सत्ता से बाहर थे तो माननीय तेजस्वी जी हम लोग के ST-T मेरिट के आंदोलन में आए थे, वो बोले थे कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे पहली कलम से आपकी नियुक्ति सुनिश्चित कर देंगे, ये कह रहे थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, कह रहे थे ना, वही ना कह रहे थे कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, जब इंतजार का मजा क्या ले, अब आप फिर से हम लोग परीक्षा सजा कर दिए, फिर से परीक्षा में फेंक दिए हम लोग को, हम लोग नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, आप फिर से परीक्षा की बात करने लगे। कह रहा है कि लोग मेरिट वाले हैं तो उनको डरने की जरूरत क्या है, उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं मेरिट वाले तो डरने की जरूरत है, सही बात है, डरने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, डर इस बात का है कि पिछला 4 सालों से आप बरगला रहे हैं, 19 की ना परीक्षा है, 23 आगे अभी तो बरगला ही रहे ना, तो आगे भी बरगला दीजिएगा क्या, आप तो खुद ही जानते हैं ना, सब लोग जानता है कि बिहार में एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, धांधली होता है, फिर परीक्षा कैंसिल होता है, मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में पेंडिंग रहता है, तो ऑलरेडी 5 सालों से पेंडिंग है, ये हम लोग का फिर 5 साल डिले हो जाएगा, तो 10 साल से बिहार के गरीब के बच्चों को पढ़ाएगा कौन? सरकार जो आरोप लगा रही है कि आप लोग विपक्ष का, मतलब कि विपक्ष के तरफ से आप लोग बोल रहे हैं, क्या ये सही है? अरे सर, विपक्ष से बहकावे में आप लोग है? अरे हम लोग शिक्षा के प्रति विपक्ष के बहकावे में आने वाले हैं, मतलब पढ़े लिखे बैठते हैं, मूर्ख नहीं ना। अरे तो ये तो हम तो बोलते हैं कि मति भ्रष्ट हो गया, इनके प्रवक्ताओं का मति भ्रष्ट हो गया है, ये क्या बोलेंगे, इनको सर्व से डूब मारना चाहिए, जाकर चुल्लू भर पानी में, इनको शर्म नहीं आ रहा है कि जब ये विपक्ष में रहते हैं तो कुछ और बोलते हैं, सत्ता में रहते हैं तो सफेद झूठ बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आ रहा है, डूब मारना चाहिए। और देखिए हम स्पष्ट बोल रहे हैं, इस बार
अगर हम लोग की नियुक्ति नहीं देते हैं, क्योंकि चार साल से हमने बहुत इंतजार कर लिए, तो ज्यादा दूर नहीं 24 और 25 इनको बता देंगे, बिहार के कोने कोने में इनको जवाब मिलेगा। कहाँ जाएंगे? अरे बिहार में वोट मांगने तो जाएंगे ना। आज शिक्षा मंत्री को पुलिस छावनी में बदले हुए उनके आवास को क्या नौबत आ गया कि बिहार के शिक्षा मंत्री के आवास को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया? ऐसा कौन सा गुनाह? शिक्षा मंत्री को छावनी में तब्दील किया गया लोग जी। शिक्षा मंत्री ऐसा गलत पॉलिसी बनाए हैं, उसके बाद ही ना ये शिक्षा मंत्री को आखिर क्यों डर है? पुलिस आगे शिक्षा मंत्री को गलत पॉलिसी बनाए हैं इसीलिए तो डर है कि कहीं अभ्यर्थी हमारे गृह पर आ न जाए, धावा न बोल दे, इस कारण से वो पुलिस को आगे कर। नियमावली जो आई है ना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सराहनीय है। आप लोग विपक्ष के बहकावे में बोल रहे हैं आप लोग। नियमावली अच्छी है, किसके लिए अच्छी है? जो भविष्य में शिक्षकों की बहाली होगी उन लोगों के लिए, लेकिन जो चार साल से अभ्यर्थी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोग का नियोजन कराइए, हम लोग का समायोजन कराइए शिक्षक के रूप में, तो वो लोग दो गो हम लोग मान लीजिए हम लोग स्टेट के अभ्यर्थी हैं, सीटेट भी पास हैं, लेकिन एसटीईटी का जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा था? स्टेट 19 का परीक्षा के स्तर से आज तक कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ है। विपक्ष के बहकाम है कि नहीं बताइए? देखिए अब ये तो वही विपक्ष में भी जब ये लोग थे तो वही बोलते थे कि ये लोग भाजपा के आदमी है, राजद वाले ही बोलते थे। अभी राजद वाले बोल रहे हैं कि ये विपक्ष के बहकावे में बोल रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। ये तम जो लोग सत्ता में रहते हैं ना उनकी भाषा बदल जाती है, लेकिन चरित्र वही रहता है। चाहे कोई भी, हमको तमाम पार्टियों ने ये किया है, शोषण किया है, तो हम तमाम पार्टियों के लोगों से कहते हैं जो अभी महागठबंधन की सरकार है, हम उसी महागठबंधन के वोटर से आते हैं, लेकिन इन लोगों को हराने के लिए भी हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं ना, तो चुनाव में इन लोगों को पता चल जाएगा इस बार। तो चुनाव में इन लोगों को इस बार पता चल जाएगा कि शिक्षक अभ्यर्थी जितने हैं वो क्या कर सकते हैं आने वाले 2024 और 2025 में। और जिस तरीके से ये बार बार इल्जाम लगा रही है सरकार के लोग, ये लोग विपक्ष के बहकाव में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग का कहना है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग विपक्ष के बहकाव में क्यों आएंगे? तो साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज़।